अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो ये फेज़ वन और फेज़ टू के मुतलका मैं आपको बताने वाला हूँ कि जी इनकी भर्ती का प्रोसेस जो है वो क्यों लेट हो रहा है, इसकी बेसिक वजह क्या है। ठीक है, माजरत है, काफ़ी दिनों से जो है वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल रहा, तो इसके पीछे भी काफ़ी सारी वजूहत हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी आपके लिए डे बाई डे जो भी जॉब्स के रिलेटेड अपडेट आए वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, उसके अलावा ये थोड़ा सा जो स्टूडियो है ये भी अपडेट किया है, तो इसी की वजह है। अगर ये फेज़ वन और फेज़ टू की जो ज्वाइनिंग का मरहला है उसकी कोई बेसिक कोई लेट होने की कोई वजह नहीं है। ठीक है, हम जिसे भी कह दें यार ये वजह है, कुछ झूठ बोल दें तो झूठ बोलने का भी मौका नहीं है हमारे पास। हाँ, अलबत्त डिले कुछ स्लो होने की, मुहर्रम के आ जाने की वजह से कुछ स्लो होना चाहिए था प्रोसेस, तो यही वजह है। ठीक है, स्लो होना चाहिए था, लेकिन अभी जो मेरा जो अपना जेन है, अपना मीडिया जो आइडिया है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी तक जो फेज़ वन और फेज़ टू की जो ज्वाइनिंग है वो हो जानी चाहिए थी। इसकी वजह ये है कि अभी जो करंट और भी जो भर्ती आई है उसका भी प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होना है। तो कुछ ज़िला जो है, जैसे अभी लाहौर का जो है वो मेडिकल रह गया, ठीक है, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होनी है। दूसरा ये है कि कुछ अजला की पुलिस वेरिफिकेशन भी अभी रहती है, तो पुलिस वेरिफिकेशन भी हो रही है। अभी मुहर्रम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं पुलिस की ड्यूटी के हवाले से। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसके बाद जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो ये जो है मेरा जो अपना आइडिया है, अगर जो भर्ती का आपकी ज्वाइनिंग जो है वो आगे 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो है ज्वाइनिंग जो है वो हो जानी है, तो उसके लिए आपने तैयार रहना है। तो मेडिकल के लिए कोई बड़ी मसलन के होता है ना, कोई इशू वगैरह होता है जो आपके साथ डिस्कस करने वाला होता है, वो तकरीबन पंजाब पुलिस के मेडिकल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी ना हो। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये भर्ती जो है, अगर जो अभी आई हुई है फेज़ वन और फेज़ टू वाली, ये मुकम्मल होगी तो दूसरी भर्ती जो है वो उनका जो भर्ती का प्रोसेस है वो तेज़ करेंगे। और इसके पीछे ये भी वजह है कि इनके जो ट्रेनिंग सेंटर हैं पंजाब पुलिस के वो सेम है, इसमें SPU भी आता है, वायरलेस ऑपरेटर भी आते हैं, PHP, ट्रैफिक असिस्टेंट, सब की जो है पुलिस के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उनमें ही ट्रेनिंग होनी होती है। तो इसलिए अगर ये आपकी भर्ती का प्रोसेस मुकम्मल करेंगे तो आगे जो है दूसरी भर्ती का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग जो है वो रुकी रही तो फिर दूसरी जो भर्ती का प्रोसेस है उसके लिए काफ़ी जो है मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आप ना इतने परेशान हो, डिपार्टमेंट जो है आपसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है कि आप जल्दी से हमें भर्ती हो। ठीक है, तो इसके लिए ना तो ये कैंसिल होंगी और ना ही आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स हो, ईजी हो, ठीक है, अभी छुट्टियाँ मार लें, जब आप भर्ती हो गए फिर आपने कहना जी हमें छुट्टी मिले, छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी के लिए बहाने ना आपने तलाश करने हैं। चलो नेक्स्ट, वो तो मामला चलता रहता है, मिलते हैं ना जी नेक्स्ट अपडेट में। ओके, अल्लाह हाफिज़।